गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में हम लोग बच्चों चार पदाधिकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और चार पदाधिकारी में सबसे पहला जो पदाधिकारी है, जो फर्स्ट ऑफिसर है, वो कौन है? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है? तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड लगभग जितने पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, मैंने लगभग चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है। और कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उसको आज हम लोग को देखना है। और आज अभी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा राष्ट्रपति का चैप्टर, ठीक है? और जब राष्ट्रपति का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं फिर इसके बाद आपको दे रखा था दो होमवर्क। मैं उस दो होमवर्क पे चर्चा करूंगा कि उसके आंसर क्या होंगे, ठीक है? तो उसके आंसर को मैं देखूंगा, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, यानी उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति भी कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग एंट्री करेंगे किस में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी। तो क्या है महान्यायवादी? इन सारी चीज़ों को हम लोग उस चैप्टर में देखा जाएगा, जो कि आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है? फैक्ट हैं, तो पहले उन फैक्ट्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग देखा जाएगा क्वेश्चन अपने और आया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट में। तो आते हैं बच्चों। तो यहां बच्चों हम लोग देखें तो राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है? राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण तथ्य। अब राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ठीक है? सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब इसमें सबसे पहली बात यहां देखें बच्चों, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये बात लगभग सब कोई जानता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। अब यही फिर मैं आपको एक होमवर्क देके जाऊंगा, ठीक है? होमवर्क देके जाऊंगा, दो होमवर्क जो आपके हैं उसकी, तो उसका तो आंसर मैं आज दूंगा, मगर यहाँ आपको फिर अभी एक होमवर्क मैं दूंगा। और आगे अगर पॉसिबल हुआ कुछ और भी देना, तो आज की क्लास में हो सकता है दो होमवर्क आपको मिले, ठीक है? कमेंट में कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक, तो मैं उसकी चर्चा भी करता हूँ, आंसर उनका लगभग सही है, ठीक है? तो हम लोग को ये मालूम है कि भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, प्रथम राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनका टेन्योर जो है, ठीक है बच्चों, तो इनका इनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल, टेन्योर इनका कितना है? तो इनका टेन्योर जो है 12 साल का रहा है, ठीक ना? तो लगभग जो है लगभग 12 साल, 12 साल का इनका कार्यकाल रहा। अच्छा, यानी कि ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुनाव लड़े। तो अब बच्चों यहीं पे मैं अभी तुरंत होमवर्क दे दे रहा हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो 2 बार अगर वो राष्ट्रपति बने, तो एक राष्ट्रपति का कार्यकाल मैंने बता रखा है कि जो उनका शपथ का तारीख होगा वहां से 5 ईयर होगा। तो राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट, इसका टेन्योर 5 ईयर का है, बात ठीक है? तो अगर राष्ट्रपति का टेन्योर 5 ईयर है, तो 5 5 10 हुए, तो यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैक्सिमम टेन्योर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो मैक्सिमम टेन्योर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10 ईयर, बट 12 साल, ठीक है, 12 ईयर, ऐसे कैसे? ठीक, यही आपका होमवर्क है कि कैसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 12 साल रहा, ठीक है? लगभग 12 साल रहा, ये कैसे पॉसिबल हुआ ये आप कमेंट में बताएंगे। आंसर रहा सही तो मैं वहां बता दूंगा कि हाँ आंसर सही है। कुछ बच्चों को जैसा कि मैंने बताया, टाइम ना हो पाने की वजह से मैं सबके कमेंट्स को लगभग देख नहीं पाया हूँ। आप प्रयास किया हूँ सबका देखने का और सबके प्रश्न का आंसर देने का भी प्रयास किया हूँ। हाँ, कुछ चीजें अगर छूटी हुई हैं किसी के कमेंट्स को, तो मैं उसको आज देख लूंगा, ठीक है? और आज आप लोग को PDF भी मिल जाएगा, ठीक है? तो आपका ये होमवर्क हो गया कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनका कार्यकाल 12 साल, कैसे, ठीक है? चल अब आगे हम लोग डेटा देखें। तो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट, यानी कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध, यानी कि जिनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है? तो निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी ये हो गए, ठीक है, निर्विरोध राष्ट्रपति, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट, ठीक। आगे देखें अगर इसमें हम, ठीक है, तो अब बच्चों आगे देखें, तो देखो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, यानी कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पे कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये डेटा आपको ध्यान रखना। सेकेंड बात, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी डेथ, उनके टेन्योर जो है, ठीक है,
उनका टर्म ऑफ ऑफिस जो है उसके दौरान, कार्यकाल के दौरान ही खत्म हो गया। तो कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं? तो दो ऐसे राष्ट्रपति हैं, ठीक, रहे हैं। कौन रहा है दो ऐसे राष्ट्रपति? तो एक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये जो हैं दो राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, डेथ वाइल इन द टेन्योर, ठीक। अब आगे देखें कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे राष्ट्रपति रहे, जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, सबसे युवा राष्ट्रपति। अच्छा, अब इसमें देखें तो अगला पॉइंट हम लोग को देखना है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किया, ठीक है, वीटो पावर का, ठीक। तो द प्रेसिडेंट यूज द वीटो पावर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आंसर क्या है? डॉक्टर सॉरी ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह जो हैं इन्होंने सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किया, ठीक है। तो वीटो पावर का मैं अलग से बच्चों क्लास दूंगा आप लोग को, वहां परेशान नहीं होना है कि वीटो पावर तीन टाइप के होते हैं। तो तीन टाइप के ये वीटो पावर कौन है, मैं इस तीन टाइप के वीटो पावर का करीब करीब 20 से 25 मिनट की टाइमिंग उसमें जाएगी, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। यहाँ पे वीटो पावर क्या है अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी आपको जानने की जरूरत है, मैं इसका अलग से आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना है वीटो पावर का प्रयोग कौन किया, ज्ञानी जैल सिंह। अच्छा, तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे बोर्ड पे है नहीं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे अब बात करें कि सबसे 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 वरिष्ठ राष्ट्रपति यानी कि सबसे अधिक एज में, ठीक है, ओल्डेस्ट, ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे, ठीक, तो उनका नाम क्या है, तो देखते हैं बच्चों। ठीक है, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट यानी कि इसको कह लें सबसे, तो हर वर्ड को यहां बच्चों ध्यान रखना, हर वर्ड को मैं पूरा यहां पे लिखूंगा नहीं, वरना आप खुद ऐसे सोचो, एक बार हिंदी पूरा लाइन लिखना, फिर उसका इंग्लिश पूरा लाइन लिखना, तो आपका जो 1 आवर्स का जो क्लास है वो आपका, आप खुद समझ सकते हो, ये आपको पता चलेगा 30 या 35 मिनट का हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 30 या 35 मिनट का। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है, मतलब ये कि 1 घंटे की क्लास अगर हम लोग की रह रही है, 1 घंटा 10 मिनट भी जा रहा है, 15 मिनट भी जा रहा है, तो मतलब वो हम लोग को टाइम पूरा मिले, ठीक है, कि लिखने में बहुत हम लोग को समय नहीं बर्बाद करना है। हालांकि मैंने बोल रखा है कि PDF आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो यहाँ भी अब मैं जो क्लास कंटिन्यू करूंगा उसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया करूंगा, मगर जो मेन मेन टर्म है उसको लिखेंगे, ठीक ना। ये नहीं कि पूरा सेंटेंस एक बार हिंदी में, फिर पूरा सेंटेंस एक बार इंग्लिश में, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। पूरा सेंटेंस तो आपको PDF में मिल ही जाएगा ना, यहाँ आपको समझ में आना चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। हाँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पॉइंट्स क्या है, क्वेश्चन क्या है, वो आपको बस समझ में आना चाहिए। तो उतने को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा बच्चों आंसर क्या होगा, तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, आर वेंकट रमण, ठीक ना, आर वेंकट रमण। तो यहाँ लिख देते हैं आर आर वेंकट रमण, ठीक है। तो ये क्या है, ये सबसे वरिष्ठ जो है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के सबसे वरिष्ठ राष्ट्रपति, ठीक। अच्छा, अब देखें कि क्या भारत में कोई दलित व्यक्ति भी राष्ट्रपति बना है? बिल्कुल बना है, दो लोग बने हैं, ठीक है, दो लोग बने हैं, पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखें महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 3 लोग हो जाएंगे। तो कौन कैसे क्या है इसको भी अभी देखते हैं। तो बच्चों यहां देखो, तो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन, ठीक है। तो ये क्या है, ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, ठीक है, तो दलित प्रेसिडेंट, दलित प्रेसिडेंट, ठीक है, यहां और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। तो दलित राष्ट्रपति कौन है प्रथम, तो डॉक्टर के आर नारायणन, डॉक्टर के आर नारायणन, ठीक है। तो अच्छा, तो अब देखें, तो क्या कोई
दलित व्यक्ति और भी राष्ट्रपति बना है, बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रपति बने हैं दलित। दूसरे कौन? तो दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद, जो कि अभी द्रौपदी मुर्मू के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो यहां हम देखें सेकंड दलित प्रेसिडेंट, तो सेकंड दलित प्रेसिडेंट कौन होंगे? तो यहां हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? रामनाथ रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो है ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अच्छा क्या कोई ऐसी महिला भी है जो दलित रही हो? ठीक है, तो मेनली देखा जाए बच्चों तो द्रौपदी मुर्मू जो है दलित राष्ट्रपति में काउंट होंगी, परंतु उनको अगर हम दलित में देखें तो हम लोग दलित में एक चीज जानते बच्चों, एससी होता है, दूसरा होता है एसटी। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और शेड्यूल्ड कास्ट है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इन ट्राइब्स को हम आदिवासी भी बोलते हैं। ठीक ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इनको हम आदिवासी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब भारत की प्रथम महिला, ठीक है, महिला दलित राष्ट्रपति कौन हो गया? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति भी है। ठीक, आदिवासी पूछा, एसटी प्रेसिडेंट, तो भी आंसर क्या है? तो एसटी प्रेसिडेंट भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इस बात को भी यहां कवर करते हैं हम लोग। फर्स्ट, अब शेड्यूल ट्राइब्स पूरा नहीं लिख रहा हूं बच्चों, एसटी एसटी और दलित। ठीक है, दलित दलित प्रेसिडेंट, तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है ये क्या है? भारत की प्रथम दलित। हाँ, यहां एक पॉइंट ऐड करना होगा कि फर्स्ट एसटी और दलित वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक ना, वुमेन प्रेसिडेंट, तो वुमेन प्रेसिडेंट यानी कि महिला राष्ट्रपति कौन नहीं है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, तो ये इतने कुछ डेटा थे बच्चों जो आपको ध्यान में रखने थे। ठीक है, तो ये डेटा हमारे कंप्लीट होते हैं, तो मैंने आपको एक होमवर्क दे रखा है। ठीक, अब एक होमवर्क मैंने दे रखा है, एक डेटा वाला होमवर्क मैं आपको और दे रहा हूं। ठीक है, अब एक डेटा वाला होमवर्क और क्या है? यहां आंसर बताऊंगा नहीं, क्या मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि जब कभी राष्ट्रपति नहीं होता है, ठीक है, जब कभी राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसकी जगह उसके दायित्वों को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन फुलफिल करेगा, कौन पूरा करेगा? तो कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। अब कंडीशन अगर ऐसी आई कि दोनों ना हो, तो मैंने बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद से बीबी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वो क्या हुआ था? बन गए थे राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति बने वो, तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो भी रिजाइन दे देते हैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक, तो अब दोनों पद एक साथ खाली हो गए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों। ठीक, तो यहां पे हम क्या जानते हैं कि जब दोनों सीट खाली होगा तब कौन उस राष्ट्रपति के दायित्व की पूर्ति करेगा, उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा? तो आंसर हमारा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना हो क्या? राष्ट्रपति। तो हुआ है बच्चों, कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या है? अब प्रश्न ये है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे कि कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के पद को, ठीक है, ग्रहण किए थे या राष्ट्रपति के कुर्सी पे विराजमान थे। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग आंसर बताना, सही होगा मैं वहां जवाब दूंगा कि हाँ आपका आंसर सही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट थे बच्चों वो हम लोगों ने यहाँ कवर किया, और अब हम लोग आएंगे वाइस प्रेसिडेंट में। परंतु उससे पहले हम आपके कुछ क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर देते। तो मुझे दो क्वेश्चन याद है, ठीक है, दो क्वेश्चन मुझे याद है कि मैंने आपसे क्या पूछा था। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपसे यही पूछा था कि एंग्लो इंडियन, ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने यही पूछा था कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। एंग्लो इंडियन जिसको हम क्या बोलते हैं,
आंग्ल भारतीय, तो एंग्लो इंडियन क्या होता है? ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया था, मैं उसको जरा देखता हूँ। ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। और चलो, ये एंग्लो कमेंट आपके सामने आ चुके हैं, और यहाँ मैं आपको बताता हूँ। सर, एंग्लो इंडियन जब देश गुलाम था, तब जो ब्रिटेन डच यहाँ की महिलाओं से शादी करते थे, तो जो बच्चे होते उन्हें एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो ठीक है, मतलब वो व्यापार करने के लिए आए। ठीक ठीक है बच्चों, तो आंसर मैंने बोला था बच्चों कि लगभग आंसर सही है। ठीक है, तो लगभग आंसर सही है, तो देखो आपने आंसर लगभग ठीक बताया है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और करेक्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या आपको बताना है, देखो जैसे हम लोग को बच्चों पता होना चाहिए कि यह जो हमारा अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, इस अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप। तो हम लोग को पता है 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ, तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ यहाँ। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और इधर फिर ये हो जाता है साउथ अमेरिका, यहाँ हो जाता है अफ्रीका, ठीक, यहाँ हो जाएगा अंटार्कटिका, और फिर ये यहाँ पे मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री। ज्योग्राफी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि इतना मैं डिटेल यहाँ पे बताऊँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इधर बच्चों यहाँ इतना ये एरिया जो है, ठीक ना, ये एरिया जो है यहाँ हो जाता है यूरोप महाद्वीप, और फिर इधर ये सब इतना बड़ा एरिया लिए ये हो जाता है एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप। ठीक ना, एशियन कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप, और ये क्या है यूरोप महाद्वीप। ठीक ना, यूरोप महाद्वीप, ठीक। तो ये यूरोप महाद्वीप, तो अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का, ठीक है, कोई पुरुष यूरोप महाद्वीप, देखो अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि कोई विदेशी, ठीक है, कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी महिला जो भारत में आके किसी पुरुष से या महिला से, ठीक है, ऐसे शादी कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो क्या हैं, एंग्लो इंडियन। गलत बात है बच्चों, है क्या कि अगर ऐसा है, अच्छा इसमें अगर कोई थोड़ा सा और करेक्ट करता है, तो कोई कोई ये भी बोल देता है कि एंग्लो इंडियन क्या है कि जिसकी माता, जिसके माता या पिता, ठीक है, जिसके माता या पिता यूरोप महाद्वीप के हों, ठीक है, और वो भारत में निवास कर रहे हों। ठीक है, यहां हो गया कर्क रेखा, तो भारत में निवास कर रहे हों, ठीक, तो उनके जो संतान है, उनके जो संतान है वो है एंग्लो इंडियन। तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर आप पुरुष महिला दोनों वर्ड यूज कर लिए, तो यहाँ पे गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी कि आप देखिए सोनिया गांधी जी, देखना सोनिया गांधी इटली की हैं और राजीव गांधी हमारे भारत के हैं, तो सोनिया गांधी और राजीव गांधी से जो संतान है वो राहुल गांधी, तो क्या राहुल गांधी एंग्लो इंडियन है? ऐसा नहीं है बच्चों, समझ रहे हो ना। तो यहाँ सही बात क्या है, तो सही बात यह है कि जिसके जिसके पिता, जिसके पिता यानी फादर, पिता, या जिसके पितामह, पितामह मतलब क्या होता है, ग्रैंड फादर यानी दादा, ठीक ना, तो जिसके पिता या पितामह वो क्या हो यूरोप महाद्वीप के हों, और इन लोगों ने भारत की किसी महिला से, ठीक ना, भारत की किसी महिला से विवाह किया, ठीक है, भारत की किसी महिला से विवाह किया, तो इनके जो संतान होंगे, ठीक ना, इनके जो संतान होंगे वो क्या होंगे, वो एंग्लो इंडियन होंगे। बात क्लियर बच्चों? तो हमको क्या बात बोलना है, यूरोप महाद्वीप का नाम लेना है, यूरोप महाद्वीप में ये भी बताना है कि पुरुष, ठीक है, कोई यूरोप महाद्वीप का पुरुष भारत की किसी महिला से अगर शादी किया, इसके बाद इन दोनों के जो संतान हुए वो क्या होंगे, वो होंगे एंग्लो इंडियन। क्लियर बच्चों? तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा। सेकंड मैंने क्वेश्चन पूछा था, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, तो सेकंड क्वेश्चन मैंने ये पूछा था आपसे कि राष्ट्रपति जब ऑर्डिनेंस पावर का यूज करता है, ठीक है,
तो ऑर्डिनेंस पावर यूज करने के दौरान अध्यादेश की शक्ति जब वो यूज करता है, अध्यादेश जब जारी करता है, तो अध्यादेश वो जारी करता है तो उसका जो प्रभाव है वो मैक्सिमम कितने समय तक होगा? वो 6 महीने तक होता है, 6 मंथ तक। 6 मंथ तक उसका जो है प्रभाव होगा। तो मैंने ये पूछा था कि क्यों इसकी टाइमिंग अधिक से अधिक 6 महीने ही रखी गई। तो 6 महीने बच्चों इसलिए रखा गया क्योंकि अब इसका भी आंसर आप लोगों ने दिया हुआ है, सही आंसर दिया है, बिल्कुल उसमें कहीं कोई लगभग जैसे शब्द की यूज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 6 महीने इसका प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने एक बात हम लोग जान रहे हैं कि एक सत्र की, ठीक है, अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक जो होगी उसके बीच क्या कहा गया है, 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो, ठीक है। तो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है तब क्या होता है, राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस जारी करता है। तो अब क्या है, हर हाल में नया जो सेशन है 6 महीने के अंदर बुला ही लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर बताया कि संसद जो है इसका एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम जो बैठक होती है उसके बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि हर हाल में 6 महीने के पहले संसद का सत्र शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे 6 महीने का कॉन्सेप्ट रखा गया है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग का राष्ट्रपति का चैप्टर कंप्लीट होता है और राष्ट्रपति के बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उपराष्ट्रपति, ठीक है बच्चों, उपराष्ट्रपति। चलिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उप राष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक ना, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति देखते हैं। अब बच्चों हम लोगों को ये बात पता है, बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है इस बात को। क्या नहीं लिखने की जरूरत है कि राष्ट्रपति जब नहीं होगा तो फिर राष्ट्रपति के दायित्व को कौन पूरा करेगा? उपराष्ट्रपति, ठीक। यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग एकदम बेसिक रूप में कई बार इस बात को सुन चुके, जान चुके, तो फिर बोर्ड पे बहुत वर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, अब देखें कि राष्ट्रपति हम लोग देख रहे थे, तो राष्ट्रपति में हम लोगों ने एक आर्टिकल डाला था और आर्टिकल हम लोगों ने क्या लिखा था, आर्टिकल बच्चों हम लोगों ने लिखा था आर्टिकल 52, ठीक है, 52। तो इस 52 में हम लोगों ने क्या लिखा था, तो हम लोगों ने 52 में लिखा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अब यही क्वेश्चन फिर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को लेके है, उपराष्ट्रपति को लेके, तो उपराष्ट्रपति को लेके क्या क्वेश्चन अब सेम ऐसे ही बनने वाला है। तो अब ऐसे ही एक क्वेश्चन ये बनने वाला है कि किस आर्टिकल में ये बोला गया है, ठीक है बच्चों, किस आर्टिकल में ये बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ आर्टिकल क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ आंसर क्या हो जाता है बच्चों, आर्टिकल 63, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 में बोला गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ तक की बात क्लियर, ठीक। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता, ठीक है बच्चों, तो उपराष्ट्रपति की योग्यता में देखें तो सबसे पहली योग्यता, अच्छा राष्ट्रपति वाली योग्यता आप लोग को याद ही होगी, तो राष्ट्रपति वाली योग्यता में मैंने बताया था आप लोग को 5 योग्यता, और उसी समय
मैंने क्लियर किया था राष्ट्रपति की योग्यता भी, ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता भी। तो कंपेयर करके मैं दोनों को फिर से बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो यहां हम देखेंगे प्रेसिडेंट और यहां देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों की योग्यताएं क्या क्या हैं, ठीक है, इन बातों को अब बच्चों यहां पे हम कवर करते हैं, ठीक है, चलो। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। तो प्रेसिडेंट को हम लोगों ने क्या देखा था कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, नागरिक, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक। सेकंड हम लोगों ने देखा था 35 ईयर एज, 35 ईयर एज यानी कि 35 साल की उम्र जो है वो पूरी कर चुका हो, ठीक है, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या जाना था राष्ट्रपति वाले में, राष्ट्रपति वाले में जाना था कि वो किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो ये इतनी बात बच्चों याद आ रही है, ठीक है, इतनी बात याद आ रही है, ठीक। तो लाभ के पद पर ना हो, तो नॉट एनी नॉट एनी होल्ड, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होगा, ठीक। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, दूसरा हम लोगों ने देखा था कि पागल और दिवालिया नहीं होगा, ठीक है, पागल और दिवालिया नहीं होगा, तो इनसेन और बैंक, एक मिनट, बैंक करप्ट, ठीक है, तो बैंक करप्ट ना हो, ठीक, यानी कि क्या पागल या दिवालिया, पागल या दिवालिया ना हो, ये हम लोगों ने देखा था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि वो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का मेंबर होने की वो क्या करेगा, वो योग्यता रखेगा, ठीक ना, एलिजिबिलिटी, ठीक। इतनी बातों को हम लोगों ने देखा था, ठीक। अब यहां बच्चों हम लोग देखे तो क्या डिफरेंट आ जाएगा, तो मैंने उसी समय बच्चों बताया था, क्या बताया था कि नागरिक वाली बात यहां भी की गई है, यानी कि उपराष्ट्रपति लिख क्या है कि वो भारत का नागरिक होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक। सेकेंड पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि उसकी भी एज क्या होगी, 35 ईयर, ठीक है, 35 ईयर एज कंप्लीट होगा उसका, ठीक। लाभ के पद पर नहीं होगा, ये बात भी मैंने बताया था, ठीक है। अगली बात क्या बताया था कि पागल और दिवालिया नहीं होगा, ठीक है, इनसेन और बैंक करप्ट, ठीक है, तो बैंक करप्ट और पागल ये नहीं होगा। और जो पांचवा पॉइंट मैंने बताया था, यही मैंने डिफरेंट बच्चों बताया था, और वो डिफरेंट क्या बताया था, यहां लोकसभा की बात कर रहा है तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य, ठीक ना, राज्यसभा का सदस्य बनने की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता रखेगा, ठीक है, योग्यता रखेगा। अब ध्यान रखना, योग्यता रखेगा, अब ध्यान रखना, ये बिल्कुल नहीं मिस्टेक होना चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य हो, योग्यता रखेगा, उसका जो है एलिजिबिलिटी बस होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि वो उसका मेंबर हो। अगर मेंबर होगा तो फिर वो नहीं बन सकता है क्या राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बनना, उपराष्ट्रपति बनना मतलब ये नहीं बन सकता, परंतु होगा क्या, अगर उपराष्ट्रपति ने डिसाइड नहीं किया है, चुनाव लड़ लिया, जीत भी गया, तो अब क्या है, उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा का अपना पोस्ट नहीं भी छोड़ा है, तो क्या होगा, उसका सीट जो है स्वतः रिक्त जो है माना जाएगा, समझ रहे हो, स्वतः रिक्त माना जाएगा, ठीक। तो ये बात होती है, तो योग्यता में आपको केवल एक डिफरेंट देखने को मिला, यहाँ पे लोकसभा वर्ड यूज है, तो यहाँ पे क्या है, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये हाउस ऑफ पीपल, ठीक। तो बस ये डिफरेंट है, बाकी जो प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, वही एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन किसका है, उपराष्ट्रपति का है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों क्या, जमानत राशि, ठीक है, जमानत राशि, ठीक, जमानत राशि,
ठीक। अब देखो जमानत राशि के पहले हम लोग देखे क्या थे। अच्छा यहां भी कंपेयर करके बताते हैं, यहां भी कंपेयर करके बताते हैं। ठीक, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, यहां पे अनुमोदक, अनुमोदक, और दूसरा मैंने बताया था प्रस्तावक। ठीक है, इनकी संख्या मैंने बताई थी, संख्या क्या बताया था 50-50। अच्छा यहां पे एक बच्चे का क्वेश्चन था, यहां पे एक बच्चे का क्वेश्चन था ठीक है बच्चों, अभी अभी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अनुमोदक और प्रस्तावक, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है इसमें मैंने उसी समय बता दिया था कितने कितने थे। तो यहां पे मैंने बच्चों याद करो बताया था कि 20-20, और मतलब क्या है, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का अनुमोदक और प्रस्तावक, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का अनुमोदक और प्रस्तावक याद रखना है तो बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं वनडे एग्जामिनेशन, सॉरी, जो वनडे मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, वो कितने ओवर का होता है, 50। ठीक है, तो यहाँ 50 हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, और T20 मैच, ठीक है, तो 20 ओवर का, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति में अनुमोदक और प्रस्तावक जो हैं वो कितने कितने हैं बच्चों, वो 20-20 हैं। ठीक है, 20-20 हैं, 20-20। ठीक है, तो अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या यहाँ पे कितनी आ रही है, 20 और 20, राष्ट्रपति में कितने आ रहा है, 50 और 50। ये बात आपको बच्चों ध्यान में रखना था। ठीक है, तो यहां भी ये बात आपसे पूछा जाएगा कि कितने जो है अनुमोदक थे और कितने प्रस्तावक थे। ठीक है, ठीक, और इसके बाद मैंने बताया था बच्चों, इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद मैंने बताया था जमानत राशि। ठीक है, जमानत राशि, जमानत राशि कितना बताया था, तो जमानत राशि मैंने बताया था आप लोगों को 15,000, ठीक ना, 15,000, ठीक है, 15,000 रुपये, और बताया था ये जमानत राशि रिटर्न नहीं होगा अगर कुल वोट का एक परसेंटेज है, एक पार्ट है, अगर कोई प्रत्याशी कोई चुनाव में लड़ रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, तो अगर वो नहीं प्राप्त कर पाया उतना, तो उसकी जमानत राशि क्या होगी, वो जब्त हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि क्या था, 1/6, ठीक है, 1/6, तो कुल वोट का कितना था, 1/6। तो ये जो है कासन मनी जो है, ठीक है, कासन मनी जो है ये कितना था बच्चों, ये 15,000 रुपये थे। ठीक है, 15,000 रुपये ये कासन मनी थे। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देखे तो, हाँ खैर हो गए हम लोग का, ठीक है, इतनी बातें हो गई। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, यहाँ बच्चों ध्यान रखना है हमको, ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे किसी आर्टिकल को बच्चों ऐड नहीं करना है। ठीक है, कोई आर्टिकल वगैरह का यहाँ पे चक्कर नहीं है। कुछ बच्चे कमेंट में बार बार कहते हैं सर इस आर्टिकल को आपने छोड़ रखा है, उस आर्टिकल को छोड़ रखा है, बच्चों इस बात के लिए एकदम आप जो है बेफिक्र रहिए, जिस भी आर्टिकल को मैंने छोड़ा है, ठीक है, उस आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैंने इसके पहले भी बोला था, ठीक है, इसके पहले भी मैंने बोला था कि बच्चों देखो आर्टिकल 395 है, ठीक है, आर्टिकल 395 है, उसके क्लाज और सब क्लाज को अगर जोड़ लेंगे तो फिर वो 460 एबव हो जाता है, समझ रहे हो, ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो अब उतना कहाँ याद कर पाओगे, वो तो किसी को नहीं याद हो सकता है। तो मैंने बताया था कि हम लोगों को मैक्सिमम कितने आर्टिकल पढ़ने हैं, 100 आर्टिकल, और अगर हम लोग 100 आर्टिकल कवर रखते हैं तो हम लोगों का एग्जाम में आर्टिकल से कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। ये बात मैंने आप लोग को बच्चों बताया था। ठीक है, तो आपको आर्टिकल के लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, बाद में अलग से एक आर्टिकल की आप लोग को PDF दे दूंगा, ठीक है, जिसमें मतलब अगर 5% भी चांस होगा कि ये आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने अपने वीडियो में उसको कवर नहीं किया है, तो वो आपको PDF में मिल जाएगा। PDF में मिलने के बाद आप उसको पढ़ना लगेगा, सर इसको बोर्ड पे समझने की जरूरत है, कमेंट में बताना कि सर जो आपने आर्टिकल का PDF भेजा हुआ है उसको सर वीडियो में समझा दीजिए, तो मैं उसको आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बात हम लोग की क्लियर हुई। ठीक है,
ठीक है। तो ये अब आगे देखते हैं, तो योग्यता भी कंप्लीट होता है, जमानत राशि भी कंप्लीट होती है, और जो अनुमोदक और प्रस्तावक हैं ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद से बच्चों हम देखें तो अब आगे हम लोग को क्या देखना है, तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का अब हम लोग देखते हैं शपथ। जब राष्ट्रपति मैंने पढ़ाया था उसी समय मैंने राष्ट्रपति का जो ओथ है, ठीक है, यानी जो शपथ है, ठीक है, वो जब बताया था तो उपराष्ट्रपति का भी बता दिया था। ठीक है, तो मैंने राष्ट्रपति के शपथ में क्या बताया था, तो राष्ट्रपति के शपथ में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को उसके पद का शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक, तो मैंने वहां बच्चों ये भी बताया था कि बच्चों ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो शपथ दिलाएगा। ठीक है, शपथ दिलाएगा, परंतु जब वो नहीं होगा तो कौन शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो अन्य न्यायाधीशों में वो शपथ दिलाएगा। तो अब मैटर आया उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा, यहाँ पे सतर्क रहना। तो यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत क्या है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, ठीक ना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है ये शपथ दिलाएगा। ठीक है, हाँ, ये वाली लाइन जो है, तो यहाँ पे बच्चों सेम बात है, उपराष्ट्रपति का जमानत राशि, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वही बात, इसका जमानत राशि कॉशन मनी जो है ये 15,000 रुपये, और कुल वोट का कितना परसेंट नहीं पा पाया, तो जमानत राशि जो है जब्त हो जाएगी 1/6। ये एकदम सेम है, यहाँ कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, उपराष्ट्रपति का शपथ, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, ठीक ना, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर, यहाँ हम लोगों को राष्ट्रपति का जो, उपराष्ट्रपति का जो शपथ है इसका कोई आर्टिकल वगैरह हम लोगों को यहाँ पे बच्चों नहीं जानना है। ठीक है, नहीं जानना है। ठीक, तो ये बात कवर होती है। ठीक, अच्छा, अब ये हुआ, तो अब इसके बाद देखें हम वाइस प्रेसिडेंट जो है इसका इलेक्शन। ठीक है, बच्चों देखो, जिसका जिसका राष्ट्रपति तैयार है ना, ठीक है, जिसका राष्ट्रपति तैयार है, जिसका राष्ट्रपति तैयार है, उसका उसका उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिक तैयार रहेगा। क्योंकि मैंने आप लोग को वैसे ही कंपेयर करके बता दिया है, कंपेयर करके बता दिया है, राष्ट्रपति वाले पॉइंट्स में ही, राष्ट्रपति वाले पॉइंट में ही मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें तो यहाँ पे कौन भाग लेगा, तो अब देखो बच्चों, इसके निर्वाचन में लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, के सभी सभी सदस्य, ठीक है, यानी कि हम कह लें ऑल मेंबर। अब ऑल मेंबर यानी सभी सदस्य का मतलब क्या, इसको समझो, सभी सदस्य का मतलब यहां पे क्या हमको ध्यान रखना है, लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियन होते हैं ना, जो दो एंग्लो इंडियन होते हैं ये, और प्लस राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड, ठीक ना, 12 नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक ना, तो ये 12 मनोनीत सदस्य जो होते हैं, ठीक ना, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, ये भी क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। क्यों, क्यों, क्योंकि यहां संविधान निर्माताओं ने क्या दिया, ऑल मेंबर यानी सभी सदस्य, तो सभी सदस्य में क्या हुआ, जो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन है,
एंग्लो इंडियन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंग्लो इंडियन को बोलते हैं आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, ठीक है, आंग्ल भारतीय। तो ये जो आंग्ल भारतीय है एंग्लो इंडियन, ये भी वोट करेंगे, ठीक है। और राज्यसभा में जो 12 मेंबर नॉमिनेटेड हैं, ठीक है, यानी मनोनीत है, ठीक, वो भी वोट करेंगे। ये 12 मेंबर, 12 जो सदस्य हैं, ये किस क्षेत्र के हैं, विद्वान हैं, तो मैंने राष्ट्रपति वाले में बताया बच्चों आर्ट, ठीक है, आर्ट लिटरेचर, शॉर्ट में लिखता हूँ आर्ट लिटरेचर, सोशल, सोशल वर्क, ठीक है, सोशल वर्क, और फिर साइंस, ठीक है, विज्ञान। तो कला, कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र के ये क्या होगा, ये इस क्षेत्र के क्या होंगे, विशेषज्ञ होंगे, ठीक ना, विशेषज्ञ होंगे। तो अब ये बाउंडेशन नहीं है कि चारों का हो या तीन का हो, कोई एक का जरूर होना चाहिए, और अगर चारों या दो या तीन रखता हो तो और अच्छी बात है, ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अब ऐसे लोगों को, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त है, जबकि जबकि राष्ट्रपति में, ठीक है, राष्ट्रपति में वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। मैंने उस समय भी बताया था क्यों नहीं अधिकार प्राप्त है, क्योंकि राष्ट्रपति, ठीक है, जब चुनाव लड़ेगा, भाई हमारे यहाँ बाउंडेशन है नहीं कि एक राष्ट्रपति जो है एक ही बार चुनाव लड़ सकता है, वो कई बार चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पूछ रखा था, अब यहाँ कमेंट देखने का बच्चों बहुत समय नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, मैं उसी में कमेंट में ही आपको बता दूंगा। कुछ इस टाइप का बच्चों ने प्रश्न पूछ रखा था कि राष्ट्रपति जो है ये एक बार राष्ट्रपति बना तो ऐसा नहीं कि एक ही बार रहेगा, ये जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक ना, चुनाव लड़ सकता है, जीता तो राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक ना, राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था राष्ट्रपति का चुनाव जब, राष्ट्रपति का पद जब कंप्लीट हो जाता है, या राष्ट्रपति अपने पद से किसी भी कारण से अगर अनुपस्थित हो जाता है, हट जाता है, तो उसका इलेक्शन जो है कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए, तो उसमें कमेंट में कुछ बच्चों ने आंसर दिया था कि सर 6 माह, ठीक है, तो 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और ये कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है, ठीक है। ये भी कंडीशन होती है बच्चों कि राष्ट्रपति अगर उसका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है और इलेक्शन हो के नया, ठीक है, प्रेसिडेंट आया नहीं है, तो वो पुराना वाला प्रेसिडेंट तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट चुनाव लड़के या जीत शपथ लेके आ ना जाए, ठीक है, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, ठीक। तो यहां देख लो, ये बात ध्यान रखना कि चूंकि हमारे यहाँ ये बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, बाउंडेशन नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही बार या दो बार चुनाव लड़ेगा, जबकि अमेरिका में बाउंडेशन है, वहां पे एक व्यक्ति दो बार लड़ सकता है, ठीक, और एक बार का कार्यकाल जो होगा वो कितना होगा, 4 साल का होगा, ठीक है, वहां पे। तो हमारे यहाँ ऐसा बाउंडेशन है नहीं, तो जब कभी राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ेगा ना, तो वो क्या होगा, जो ये, ठीक ना, मनोनीत और नियुक्त सदस्य हैं, ये क्या होगा, उसी राष्ट्रपति को वोट करेंगे जिन्होंने क्या किया था, उसको नियुक्त किया था, जिसको मनोनीत किया था, समझ लो, ये बात ध्यान रखना। इस वजह से संविधान निर्माताओं ने क्या किया, यहाँ पे बाउंडेशन लगा दिया कि नहीं, तुम लोग वोट नहीं करोगे। अच्छा, अब इन लोगों को मनोनीत या नियुक्त उपराष्ट्रपति नहीं करता है, तो संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि तुम लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है, तो तुम लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, तो ये लोग देखो, ये लोग वोट देते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बात हम लोग की बच्चों क्लियर हुई, ठीक। अब हम लोग आगे देखें, जरा आगे देखें, तो इलेक्शन हो गया, योग्यता हो गया, शपथ हो गया। अच्छा, अब देखें उपराष्ट्रपति का सैलरी कितना है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का सैलरी कितना है, वेतन कितना है। तो अब वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो अब यहां बच्चों सतर्क रहना। अब देखो क्वेश्चन मैंने दिया कि सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, ऑप्शन तुम लोग का रहा 4 लैक्स, ठीक है, सेकंड रहा 5, ठीक है, 5 लाख, ठीक है, सी रहा 3,50,000, और डी ऑप्शन दिया बच्चों 0, ठीक है। ये अगर ऐसे क्वेश्चन बना रहा है कि उपराष्ट्रपति का वेतन, अगर क्वेश्चन ऐसे मैंने बनाया कि उपराष्ट्रपति का बताओ
वेतन कितना है उपराष्ट्रपति का, वेतन कितना है, क्या 4 लाख है या 5 लाख है या 3,50,000 है। ठीक, तो अब बच्चों गूगल करोगे तो गूगल पे आपको दिखाएगा कि वेतन कितना है वर्तमान समय में, 4 लाख रुपए। मगर अलर्ट रहना, अगर क्वेश्चन को इस टाइप से दिया है, ठीक ना, अगर क्वेश्चन को इस टाइप से दिया है, ठीक, ऑप्शन में जीरो या फिर नन ऑफ दिस, कोई नहीं, ठीक है, अगर ये ऑप्शन में है तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा नन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है, या जीरो। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि बच्चों उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य नहीं करता, तो जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता तो उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी, ठीक है, सैलरी भी नहीं मिलेगा। तो अब कहोगे कुछ बच्चे यहाँ ये भी कह देंगे कि सर काम तो करता है, क्या काम करता है, तो कहेंगे कि सर वाइस प्रेसिडेंट ही बन जाता है क्या, प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति ही बन जाता है राष्ट्रपति, तो काम तो किया ना, तो बच्चों काम उपराष्ट्रपति के पद का नहीं किया, ये उपराष्ट्रपति बन गया है अब राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बन गया है तो उसको सैलरी कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, और जितने उसके भत्ते वगैरह हैं सब कुछ मिलेंगे, यानी कि टोटल पावर तनख्वाह सब कुछ क्या होगा, सब उसका राष्ट्रपति का ही होगा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहते कार्य नहीं करता, इस वजह से उसके पद का कोई वेतन भी नहीं होता है, ठीक है। तो वेतन फिर क्या होता है, क्यों गूगल 4 लाख दिखा रहा है, ठीक है, क्यों 4 लाख दिखा रहा है, तो 4 लाख दिखाने का रीजन यह है बच्चों कि यहाँ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना, एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, उस बात को ध्यान में रख के गूगल पे चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, उस बात को ध्यान में रख के नहीं होते। अभी इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर जीरो। अच्छा, अगर टोटल अमाउंट होते हैं, मान लो टोटल अमाउंट होता, ठीक है, और यहाँ मान लो दिया होता 3 लाख, ठीक, तो अगर ये दिया होता तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारा ये वाला आंसर सही है, ठीक ना, ऐसे ऑप्शन अगर होंगे तो ये 4 लाख रुपए आंसर सही होगा, वरना फिर क्या होगा, हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको ये देखना है कि उपराष्ट्रपति का क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, ठीक है, पदेन सभापति, एक्स ऑफिस चेयरमैन, ठीक ना, तो ये एक्स ऑफिस चेयरमैन है तो इसको सैलरी भी किस पोस्ट की मिलती है, तो एक्स ऑफिस चेयरमैन की मिलती है, यानी पदेन सभापति की मिलती है, ठीक है, तो इसको सैलरी किसका मिलेगा, सैलरी इसको मिलेगा बच्चों पदेन सभापति, बात क्लियर, तो पदेन सभापति का इसको बच्चों मिलता है तनख्वाह, ठीक। तो अगर ऐसे पूछा तो फिर आंसर हमको क्या देना है, अगर एक्स ऑफिस चेयरमैन यानी सभापति, ठीक है, सभापति वर्ड यूज हो गया, सभापति वर्ड यूज हो गया, ठीक है, सभापति वर्ड यूज हो गया, ठीक, तो आंसर हमको अब ऑप्शन में, फिर यहां ध्यान दो, ऑप्शन में अब जीरो अगर दिया है और पूछ रहा है कि सभापति का जो सैलरी है वो निम्नलिखित में कितना है, ठीक, तो हमारा आंसर क्या है, 4 लाख। अच्छा, थर्ड कंडीशन भी चेक कर लो, उपराष्ट्रपति की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट का जो सैलरी है वो एक्स ऑफिस चेयरमैन के रूप में, ठीक है, यानी कि उप सभापति के, सॉरी, सभापति पदेन सभापति के रूप में कितना है, तो भी आंसर हमको क्या देना है, 4 लाख। अब क्या बात ध्यान रखोगे, अगर वर्ड यूज हुआ है सभापति, ठीक ना, सभापति वर्ड यूज हुआ है, चेयरमैन शब्द यूज हुआ है, ठीक, तो हर हाल में हमें अमाउंट क्या करना है, बताना ही बताना है, और अगर केवल उपराष्ट्रपति वर्ड यूज है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट वर्ड यूज है, तो हमको हर हाल में क्या, वेतन नहीं बताना है, क्या बताना है, जीरो या कोई नहीं। हाँ, कंडीशन अगर ये रहा कि ये ऑप्शन भी नहीं रहा, जीरो और अमाउंट दे रखा है, तब फिर तो आंसर हो जाएगा, कोई बात नहीं, बात क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोगों का उपराष्ट्रपति का वेतन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं होता है, ठीक ना,
उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं होता है, ठीक, होता किसका है? चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक ना, यानी कि राज्यसभा। तो राज्यसभा का ये चेयरमैन है तो इसलिए इसका वेतन यानी कि राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में, वेतन कितना होगा? तो वेतन कितना होगा बच्चों? 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख रुपए। ये बच्चों ध्यान में हम लोगों को रखना है, ठीक है। तो हम लोग का वेतन का पॉइंट कंप्लीट, ठीक है, और ठीक है, कार्यकाल भी हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। तो उपराष्ट्रपति से देखो, अब यहाँ बच्चों ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए कार्य नहीं कर रहा है, ठीक ना, जो व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए कार्य नहीं कर रहा है, तो उसका कोई सैलरी नहीं है, तो ये भी बात याद रखो कि उससे बहुत ज़्यादा हमको कोई पॉइंट्स भी मिलने नहीं है। आप जो है किताब वगैरह आप लोग ओपन करना, ठीक है, तो आपको खुद दिखेगा कि हाँ कोई बहुत विशेष इसमें पॉइंट नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई विशेष पॉइंट नहीं है, ठीक। तो हम लोगों का राष्ट्रपति बच्चों यहाँ कंप्लीट होता है, परंतु उपराष्ट्रपति कंप्लीट होता है, परंतु उपराष्ट्रपति जो है, ठीक है, अब इसको हम लोग आगे फिर देखेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे। अच्छा, अब कहाँ देखेंगे? अब हम लोग इस वाइस प्रेसिडेंट को देखा जाएगा कहाँ? काउंसिल ऑफ स्टेट में, राज्यसभा में, ठीक ना। तो राज्यसभा में क्या है? ये सभापति है, चेयरमैन है, ठीक। तो अब सभापति ये राज्यसभा का है, तो अब वहाँ राज्यसभा में जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि राज्यसभा का एक सभापति है, ठीक है। तो क्या आर्टिकल है उसका वहां पे? तो आर्टिकल जो है इसका 64। अच्छा, फिर उपराष्ट्रपति जो है इसके कार्य वगैरह क्या हैं, ठीक है, इसके कार्य वगैरह क्या हैं? तो इसके कार्य वगैरह को अगर हम लोग को देखना होगा, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सभापति की है, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहाँ मैं उसको कवर करूँगा, ठीक है। तो हम लोग को अब दोबारा उपराष्ट्रपति को फिर देखना है, मगर पोस्ट जो होगा उसका उपराष्ट्रपति का नहीं होगा। पोस्ट किसका होगा? पोस्ट उसका होगा एक्स ऑफिस चेयरमैन पदेन सभापति, ठीक है, पदेन सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको हम लोग दोबारा फिर देखेंगे। तो वहां जब देखेंगे तो वहां पे हम लोग को इससे पॉइंट्स फिर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास को बच्चों हम लोग यहीं रोका जाएगा, यहीं रोका जाएगा, और आपको अगर कहीं फिर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछना, और मैंने जो आपको 2 होमवर्क दे रखे हैं उस होमवर्क का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, या फिर नहीं दे पाए तो मैं अपने क्लास में बताऊंगा, और कमेंट बॉक्स में मैंने देखा तो उस समय भी मैं क्या करूंगा, आपको आंसर कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से मैं उसको कमेंट बॉक्स में ही आंसर आपको दे दूंगा, ठीक। आज आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं रोकते हैं, और फिर हम लोग कल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी जो है उसके क्लास में मिलते हैं, ठीक है।